गाइस अभी आप लोग देख सकते हो जो कि मैं यूपी आ चुका हूं और यूपी आप लोग देख सकते हो कितनी तेज आंधी आ रहा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी मैं खड़ा हूं जो कि अपने खेतों पर। गाइस मैं आ चुका हूं यूपी, जो कि भी आप लोग देख सकते हो खेतियों का नज़ारा, जो कि सारी खेतियाँ खाली हो चुकी हैं गाइस, ये देख सकते हो आप लोग। और ये वाला मेरा खेत, ये गाइस मेरा खेत है, तो इसमें घर वालों ने कर दिया प्रेवट, तो इसमें वो आ जाएगा चरी। तो जैसे कि भी आप लोग देख सकते हो गाइस पूरा एरिया खाली हो चुका है, जो कि एक खेत बचा है आगे जिसमें उसके मतलब कुछ पल्ले धरे हैं, तो ये देख सकते हो गाइस। और आगे एक चरी वाला खेत है और एक और है जो कि बॉम्बे के उस तरफ है। तो गाइस जिसमें मैंने टंकी मारी थी ना, वो वाला खेत है, वो भी दिखाएंगे। तो गाइस आगे उस टाइम पेड़ एकदम सही थे और जिस टाइम आधी आई थी ना, तो उसी टाइम नाइट में ये पेड़ टूट गए होंगे, जो कि काफ़ी तेज़ आई थी। तो जो भी आधी का जो नुकसान हुआ है ना, वो सारा नुकसान आपको दिखाएंगे। तो क्या क्या मतलब गांव में नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि सिटियों में आधी से कोई भी इतना नुकसान नहीं होता है। जो कि गाइस आप लोग देख सकते हो वृक्ष टूट चुके होंगे पूरी तरह से, और आगे भी टूट गया एक वृक्ष, काफ़ी वृक्ष टूट गए होंगे। कि बम्बा में पानी काफ़ी है, जो कि अभी आप लोग देख सकते हो इतना पानी काफ़ी है, ये देखिए गाइस। तो उस तरफ खेती पे चलते हैं, तो वहाँ से दिखाएंगे आपको पूरा व्यू। ये देख सकते हो ज़मीन पर पड़ा है पूरा भंगूर, और वो भी देखिए ज़मीन पर पड़ा है, देख सकते हो गाइस। जैसे कि पहले की वीडियो में जो कि आप लोगों ने देखा था, खेती हरी भरी थी और मैंने गेहूं भी दिखाए थे आपको, और अभी आप लोग देख सकते हो कि गेहूं कट चुके हैं और सारा चीज़ घर पहुंच गया, भूसा और सारी चीज़। तो यार ये देख सकते हो आंधी से क्या हालत हुआ खेती का, ये देख सकते हो गाइस झाँक कर कहाँ निकल के पड़े हैं, ये देखिए आंधी से बहुत सारा नुकसान हुआ थे, सारा बंगूर बाहर निकल गया है, जो कि अगर गांव के सारे होता तो कुछ लोग। इसमें थे आलू जो कि अब हो गए उद्मूंग, तो पानी लगेगा मतलब 7-8 दिन बाद लगेगा पानी इसमें, अभी नहीं लगा, अभी इसमें मतलब टंकी मारनी पड़ेगी जो कि कीड़ा वीड़ा ना लग जाए गाइस। तो ये गाइस एक शायरी सुना दें, अगर आपको अच्छी लगे तो बता देना। अरे ऐसी कौन सी थी वो गलती जो इसे ना समझा पाई, अरे तू तो बेवफा थी, तेरी आंखों के सामने मोहब्बत थी और तू पहचान ना पाई। सो गाइस ये देख सकते हो ये है नेक्स्ट खेती जो कि स्कूल के सारे है। तो गाइस इसमें देख सकते हो जो कि चरी बो रखी है, और ये ज़मीन हमने उठा रखी है जो कि उगाई पर, नहीं सॉरी गाइस ये उठा रखी है हमने बटाई पर, तो आधा चरी हमारा आधा चरी उनका है। तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ भी एक बहुत टूट गया मेरा, तो यहाँ इसके नीचे नीम भी है जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा जो दब गया है यहाँ पर नीचे, ये देख सकते हो गाइस पत्ते उसके, ये देखिए गाइस बिल्कुल ज़मीन से उखड़ गया है बंगूर, ये भी देख सकते हो गाइस, और अंदर भी देख सकते हो टूट के कहां पर जाके गिरा है, ये देखिए। क्या आपने ऐसा कभी सिटियों में देखा है पेड़ टूटते हुए, नहीं ना। यहां पर भी देखिए गाइस और भी आगे काफ़ी पेड़ टूटे हुए होंगे, जो कि गाइस गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि जो फूस के जो छप्पर होते हैं ना वो पलट जाते हैं, टीने होती हैं वो पलट जाती हैं, पेड़ होते हैं जो कि खुले में होते हैं वो पलट जाते हैं। तो गाइस ऐसी घटनाएं तो गांव में होती रहती हैं, जो कि सिटी में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगी ऐसी चीज़ें गाइस। तो जैसे कि आप छोटा सा पेड़ है ये भी देखिए गाइस, ये देख सकते हो ये भी टूट गया है, जो कि इतनी बेहतरीन आंधी आई थी, देख सकते हो ये भी टूट गया है। तो ऐसी काफ़ी नुकसान हुए हैं, जो कि जैसे कि गाइस अभी आप लोग देख सकते हो वो भाई साहब अपनी छत पर बैठे हैं, इनकी भी टीन सेट जो कि आंधी में पलट गई है कि वो देखिए लगा रहे हैं अपना। ये गांव में अंदर देखिए टीन सेट पूरा उखड़ गया है, ये देख सकते हो गाइस।
तो गाइस शाम के जो शॉट हैं वो छोटे छोटे मैंने लिए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हो गाइस कितनी तेज़ी से आंधी आ रहा था ये उस टाइम। ये देखिए गाइस कुछ भी नहीं दिख रहा है आसपास, ये देखिए बहुत तेज। सो गाइस आज मेरे पेपर हैं, तो पेपर का भी शॉट लेके देखते हैं, क्योंकि फ़ोन लेके जाएंगे गाइस, तो वहाँ का भी वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।